नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच की CRT TV आई है और ये CRT TV में इसमें क्या फॉल्ट है, चलिए हम आप सबको वीडियो कनेक्ट करके इसको हम दिखाते हैं। तो जैसे कि हम जैसे ही इसमें वीडियो कनेक्ट करते हैं और चलिए हम किस तरह की पिक्चर इसमें देखने को मिलता है, चलिए आप सबको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साथ हम वीडियो कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें हम वीडियो कनेक्ट जैसे ही करते हैं इसमें वाइट पिक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और वाइट पिक्चर कहां से आई है और किस तरह से इसे ठीक करना है, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो केवल वीडियो के शुरू से लास्ट तक आप सब बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम CRT TV को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कहाँ से फॉल्ट आई है जिसके कारण हमें वाइट पिक्चर CRT TV पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले हम टीवी की कवर को हम बाहर निकालते हैं और आप सबको दिखाते हैं ये फॉल्ट जो है कहाँ से आई है। तो टीवी की ढक्कन जो है, हम कवर को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब चलिए इसमें हम वीडियो वायर को भी हम बाहर निकाल देते हैं और सबसे पहले हम CRT TV में इसमें हम पिक्चर की जो सप्लाई होती है दोस्तों, यहाँ से बैस बोर्ड पर सभी सप्लाई को हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कलर से प्रॉब्लम किसी एक कैथोड पर सप्लाई नहीं आ रही है तो इसमें हमारी कलर से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चलिए हम पावर फिर से हम लगाते हैं। तो टीवी पर हम पावर दे चुके हैं। अब चलिए यहाँ तीनों कैथोड की सप्लाई को हम सबसे पहले एक बार चेक करके देखते हैं। अगर तीनों कैथोड पर हमारी सप्लाई आ रही है तो 100% यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोब हम ग्राउंड कर देंगे, ये नेगेटिव वायर है, ठीक है, हम ग्राउंड कर चुके हैं। या तो हम इस हाथ से, यहाँ जी लिखा हुआ है, ग्रीन कैथोड है और ग्रीन कैथोड में देख सकते हैं 115 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ आर है यानी कि रेड कैथोड, तो रेड कैथोड में भी हमें 115 वोल्ट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं मल्टीमीटर पर हमें 115 वोल्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जैसे कि ब्लू कैथोड है, ठीक है, यहाँ से ब्लू कैथोड इसमें है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी जो सर्किट आई है यहाँ तक हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी 81 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि तीनों कलर की जो कैथोड है इसमें हमारी तीनों सप्लाई आ रही है, यानी कि यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, बेस बोर्ड से हमारी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो यहाँ से हमें वीडियो सिग्नल से ही कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिए वीडियो सिग्नल को हम कनेक्ट करते हैं और एक बार फिर से हम चालू करके देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जैसे ही हम वीडियो प्लग को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली यहाँ लगा के देखते हैं, क्योंकि पहले हमारी टीवी की सॉकेट पर हम लगा हुए, ये टीवी की सॉकेट पर हम वीडियो कॉर्ड को लगाए थे। अब इस बार हम डायरेक्टली सर्किट बोर्ड पर ही कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से हम तीनों कैथोड की सप्लाई को जो है चालू कर चुके हैं। अब चलिए स्क्रीन पर जाके हम देखते हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी भी वाइट स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें DTH सप्लाई की हम पावर को कनेक्ट डिसकनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ ब्लू स्क्रीन हमें देखने को मिल, हमें टीवी पर संतोष कंपनी का जो टीवी का लोगो आ रही है ये पूरी अच्छी तरह से आ रही है, यानी कि टीवी की जो IC से प्रॉब्लम थी वो IC से प्रॉब्लम नहीं है, कोई और ही प्रॉब्लम है। चलिए हम वीडियो सप्लाई को हम कनेक्ट करके एक बार फिर से हम देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से यहाँ से हम एक बार वीडियो प्लग को हम कनेक्ट कर देते हैं और देख सकते हैं फिर से यहाँ जो वाइट पिक्चर अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वीडियो सिग्नल की जो लाइनिंग है इसे हमें चेक करना है। चलिए हम एक बार पावर को ऑफ कर लेते हैं और इस सर्किट को हम दोबारा इस तरह से हम मोड़ लेंगे और एक बार हम इस सभी सप्लाई को एक बार हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सर्किट हमारी बाहर निकल चुकी है और देख सकते हैं यहाँ से हमारी वीडियो सिग्नल की जो सर्किट है, यहाँ देख सकते हैं बीच वाली हमारी वीडियो सिग्नल है, ठीक है। और इसे हमें टेस्ट करना है, यहाँ से जीनर डायोड लगा हुआ है, दो जीनर डायोड है और यहाँ दो रजिस्टर है, AV1 और AV2 की। तो यहाँ दोनों रजिस्टर को हम सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ हम कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पर हम सेट कर चुके हैं और यहाँ एक जीनो डाइट लगा हुआ है, जीनो डाइट को हम चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जीनो डाइट भी हमारी शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है, यानी कि जीनो डाइट जो लगा हुआ है ये जीनो डाइट हमारी ख़राब है, देख सकते हैं बीप की साउंड आ रही है,
और कंटिन्यूटी हमारी 00 सिंबल आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम जीनो डाइट को हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम एक पहले वाली जो जिनर है इसे हम बाहर निकाल चुके हैं, देख सकते हैं एवी1 में ये जिनर लगा हुआ था। ठीक है, आप सबको अच्छी तरह से कैमरे पर दिख रही होगी, ये जिनो डाइट को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब चलिए बची हुई दो रेजिस्टेंस है, अब दो रेजिस्टेंस को भी हमें अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यहाँ से रजिस्टेंस जो है हमारी ओपन है या पूरी तरह से ये शॉर्टिंग में है। ठीक है, तो यहाँ से रजिस्टेंस जो है एवी1 की ये रजिस्टेंस है। ठीक है, और इस रजिस्टर में देख सकते हैं वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है, यानी कि इसमें कोई सिंबल देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी पर भी हमें कोई भी सिंबल नहीं आ रही है, यानी कि ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है देख सकते हैं ये एवी1 है और ये एवी2 है। ठीक है, तो यहाँ की जो रजिस्टेंस, यहाँ पहली वाली जो रजिस्टेंस है एवी1 के लिए, यहाँ एवी1 के लिए जो है रजिस्टेंस उसमें सिंबल नहीं आ रही है, कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। ठीक है, मल्टीमीटर पर, और AV2 का जो रेजिस्टेंस है इसमें कुछ रीडिंग शो हो रही है मल्टीमीटर पर, आप सब देख रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ 126 की रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ AV1 की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये पूरी तरह से ओपन है, देख सकते हैं यहाँ कोई भी सिंबल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेजिस्टेंस आई है इस पे हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसे ओपन करके हम AV1 पर हम कनेक्ट कर देंगे। या तो दोस्तों यहाँ हम दूसरा रेजिस्टेंस एक पुराने सर्किट बोर्ड से खोल के एक बार हम लगा के एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे सर्किट बोर्ड से एक रेजिस्टेंस हम ओपन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम AV1 पर हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए दोबारा हम फिर से वीडियो कनेक्ट करके आप सबको हम दिखाएंगे। ठीक है, हम इस जगह हम रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं जिसमें हमारी रेजिस्टेंस जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस को हम इसी जगह हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ से कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार दोबारा फिर से हम पावर देते हैं और आप सबको हम वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, वीडियो पे हमें किस तरह पिक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब वीडियो हमारी चल रही थी तो वाइट पिक्चर आ रही थी पहले। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो की तीनों पिनअप को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से ये तीनों वायर को हम लगा देते हैं। ठीक है, ये लग चुकी है, अब चलिए हम टीवी पर हम पावर देते हैं और एक बार पिक्चर को हम चेक करके देखते हैं। तो टीवी पर हम पावर दे चुके हैं और टीवी पर हमारी पावर आ भी चुकी है, चलिए स्क्रीन पर जाके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टीवी पर हमारी केवल एक छोटा सा रेजिस्टर और जीना डाइट की वजह से हमारी टीवी पर वाइट पिक्चर आ रही थी, अब पूरी तरह से क्लीन पिक्चर आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।